नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माधिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मोदी मंत्रिमंडल 2022 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, आप लोग किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाते हो तो यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने ज़रूर मिलता है। इसलिए दोस्तों, आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और दोस्तों ये 15वें क्रम के प्रधानमंत्री हैं, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजनाथ सिंह। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, तो आपको याद रखना है राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं। अगला सवाल है, भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमित शाह। भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह है। भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नितिन गडकरी। भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी है। भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नरेंद्र सिंह तोमर। भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है। अगला सवाल है, भारत के विदेश मंत्री कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर एस जयशंकर। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर है। अगला सवाल देखते हैं, भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्मृति जुबिन ईरानी। भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी हैं। भारत के वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, निर्मला सीतारमण। भारत के वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण है। अगला सवाल है, भारत के शिक्षा मंत्री कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान। भारत के शिक्षा मंत्री कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। अगला सवाल है, भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पीयूष गोयल। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल है। और दोस्तों, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वित्त मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय भी पीयूष गोयल के पास है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। अगला सवाल देखते हैं, भारत के संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रहलाद जोशी। भारत के संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री प्रहलाद जोशी है। अगला सवाल है, भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नारायण तातू राणे। भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण तातू राणे हैं। भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ज्योति आदित्य एम सिंधिया। भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योति आदित्य एम सिंधिया है। अगला सवाल है, भारत के इस्पात मंत्री कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रामचंद्र प्रसाद सिंह। भारत के इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह हैं। अगला सवाल है, भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पशुपति कुमार पारस। भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस है। अगला सवाल है, भारत के कानून और न्याय मंत्री कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, किरण रिजिजू। भारत के कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू हैं। भारत के रेल मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री एवं संचार मंत्री कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अश्विनी वैष्णव। भारत के रेल मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री और एवं संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। अगला सवाल है, भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मनसुख मंडाविया। भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, रसायन और उर्वरक मंत्री
मनसुख मंडाविया है, तो आपको याद रखना है मनसुख मंडाविया। भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हरदीप सिंह पुरी। भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी है। अगला सवाल है, भारत के भारी उद्योग मंत्री कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महेंद्र नाथ पांडे। भारत के भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे है। अगला सवाल है, भारत के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भूपेंद्र यादव। भारत के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव है। और दोस्तों श्रम और रोजगार मंत्रालय भी भूपेंद्र यादव के पास है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। अगला सवाल देखते हैं, भारत के मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पुरुषोत्तम रूपाला। भारत के मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला है। अगला सवाल है, भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री एवं युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुराग सिंह ठाकुर। भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री एवं युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर है। अगला सवाल है, भारत के ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायत राज मंत्री कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गिरिराज सिंह। भारत के ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह है। भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है। अगला सवाल है, भारत के बिजली मंत्री नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राजकुमार सिंह। भारत के बिजली मंत्री नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह है। अगला सवाल है, भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गजेंद्र सिंह शेखावत। भारत के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है। भारत के बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्री तथा आयुष मंत्री कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सर्वानंद सोनोवाल। भारत के बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्री तथा आयुष मंत्री सर्वानंद सोनोवाल है। अगला सवाल है, भारत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मुख्तार अब्बास नकवी। भारत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी है। भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्जुन मुंडा। भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा है। अगला सवाल है, भारत के संस्कृति मंत्री पर्यटन मंत्री एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी भारत के संस्कृति मंत्री पर्यटन मंत्री एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री है। तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। जय हिंद, जय भारत।